guys and welcome back to my channel. So a lot of you requested to make a complete information video about GMC Aurangabad, that is Government Medical College and Hospital Aurangabad, also known as Ghati. So इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट द कॉलेज, कितना पुराना है, फैकल्टी, टीचिंग पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ जो मैं बता सकती हूँ वो. एंड इवन आई शो यू पिक्चर्स टू डेमोन्स्ट्रेट और टेल यू वॉट इट लुक्स लाइक. सो लेट्स बिगिन. एंड बिफोर दैट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज डू. So the college was founded in the year 1956 and it is one of the premier medical colleges of Maharashtra. At present, every year 200 undergraduate students are given admission and around 120 students are given admission for various postgraduate courses. Talking about undergraduate MBBS seats, वहाँ पे 200 seats हैं, जिसमें से 85% seats जो हैं वो state quota के through भरी जाती है and 15% seats all India quota के through भरी जाती है, that is 30 seats per year for all India quota. Talking about the cut-off, तो state quota के लिए last year general category के लिए 600 plus cut-off गया था and for all India quota general category के लिए 620 प्लस गया था. टॉकिंग अबाउट द कैंपस, कॉलेज की जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो एक मेन बिल्डिंग है जिसमें सारे लेक्चर हॉल्स हैं हर एक ईयर के लिए. और कॉलेज आपको लगेगा कि एरिया छोटा है, कॉलेज का कोई ऐसा डेफिनेट कैंपस नहीं है, पर जो हॉस्पिटल है उसका एरिया 99 एकर्स में है और जो घाटी है उसके चार मेन सेंटर्स हैं एंड इट्स नॉट लोकलाइज्ड वन. प्लस देयर इज अ वेरी वेरी बिग कैंसर हॉस्पिटल टू. हॉस्पिटल की बात करें तो घाटी हॉस्पिटल ये मराठवाड़ा रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है. तो यहाँ पे जो पेशेंट इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक लिटरली मिनिमम 2000 पेशेंट्स की ओपीडी तो रोज होती है. इतने ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो की वजह से एक्सपोजर बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट हर वेराइटी का, हर डिजीज का पेशेंट आपको देखने मिलेगा. टॉकिंग अबाउट द कॉलेज शेड्यूल, कॉलेज का टाइमिंग 9 to 5 है फॉर फर्स्ट ईयर और उसमें तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस एवरी डे होती हैं एंड प्रैक्टिकल भी होते हैं. तो लाइक हमारा शेड्यूल होता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, जिसमें से एनी ऑफ द टू हाफ्स 9 to 1 एक टाइम स्लॉट है, फिर 1 to 2 ब्रेक होता है लंच ब्रेक एंड 2 to 5 अगेन क्लासेस होती हैं. तो उसमें से किसी एक में एनाटॉमी होगा, उसके लेक्चर होंगे एंड देन वी गो फॉर डिसेक्शन. एंड फिजियो एंड बायोकेम इज लाइक फिजियो और बायोकेम के ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं. टॉकिंग अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज, तो फर्स्ट ईयर में गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है पर बॉयज के लिए सेकेंड ईयर से हॉस्टल एप्लीकेबल हैं. फर्स्ट ईयर में बॉयज के लिए देयर इज नो हॉस्टल, पर आसपास बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं एंड फ्लैट्स हैं, सो बहुत सारे लोग वहीं पे रहते हैं. एंड फॉर गर्ल्स द हॉस्टल इज लाइक 2 लोगों में 1 रूम शेयरिंग होता है एंड द फीस फॉर द हॉस्टल इज 5000 फॉर एंटायर ईयर एंड दैट्स क्वाइट Low. For the people who want to see how the rooms look, I'll put a picture here also. पर अगर आपको एक वीडियो देखना है, I've uploaded a short clip of my room जब वो मुझे मिला था तब का, तो you can check that on my channel also. एक्स्ट्रा co-curriculars की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज के पास खुद का ग्राउंड नहीं है, लेकिन पास ही में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हर एक स्पोर्ट के लिए ग्राउंड है, तो वहाँ पे सब अलाउड होते हैं. तो वहीं पे सब लोग जाके सारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारा जो एनुअल कॉलेज का इवेंट होता है एलिक्सिर, वो भी उसके सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है वो उसी ग्राउंड पे होती है. तो टॉकिंग अबाउट एलिक्सिर इज अ 10-day इवेंट, एनुअल फंक्शन होता है वो, जिसमें बहुत सारी गेम्स, एक्टिविटीज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेट रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें हर एक साल को एक ना एक स्टेट दिया होता है जो उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है. एलिक्सिर के तो कई सारे वीडियोज मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, तो अगर आपको देखना है तो यू कैन सी देम देयर. प्लस सेकेंड मेजर इवेंट जो होता है वो गणपति का होता है और गणपति में हमारे यहाँ पे मेनली 2 गणपति बैठते हैं, एक बॉयज हॉस्टल में एक गर्ल्स हॉस्टल में. जो बॉयज हॉस्टल में होता है वो कॉमन, मतलब सबका गणपति होता है, और जो गर्ल्स हॉस्टल में बैठता है वो गर्ल्स बिठाती हैं फर्स्ट ईयर की.
पूरा इवेंट जो है गर्ल्स हॉस्टल वाला वो फर्स्ट ईयर गर्ल्स ऑर्गेनाइज करती है, एंड जो इवेंट होता है कॉलेज का वो थर्ड महीने वाली बैच ऑर्गेनाइज करती है। कॉलेज आने के बाद सबसे बड़ी एक्साइटमेंट जो होती है वो फ्रेशर्स की होती है। तो औरंगाबाद की फ्रेशर्स लिटरली 15 डेज का इवेंट होता है और उसमें बहुत कुछ होता है, एंड वो एक सरप्राइज होता है जूनियर्स के लिए, एंड इट इज़ लाइक वेरी वेरी बिग इवेंट और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेशर्स ऑफ एंटायर महाराष्ट्र और यू कैन से इंडिया। फॉरगॉट टू मेंशन दिस, पर हमारे कॉलेज में 20 स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉडी को शेयर किया जाता है डिसेक्शन के लिए। सर दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अबाउट जीएमसी औरंगाबाद, और इसमें मैंने ट्राई किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है जिस बेसिस पे लोग कॉलेज सिलेक्ट करते हैं वो मैं कवर कर पाऊँ, एंड होप यू लाइक द वीडियो। होप आई सेव्ड योर टाइम बाय नॉट चिट चैटिंग अ लॉट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज, इफ यू वॉन्ट मी टू कवर सम अदर कॉलेज ऑल्सो, डू कमेंट डाउन, आई विल श्योरली डू दैट।